जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आपके भी मन में गंदे ख्याल आते होंगे, वो ख्याल जो हम सोचते भी नहीं हैं वैसे ख्याल आते हैं। तो ख्यालों का जो विज्ञान है, ये विज्ञान हमारे चीज़ों को देखने का नज़रिए पर है, क्योंकि हम जो चीज़ देखते हैं वही हमारे एक अनकॉन्शियस माइंड में रह जाती है, और वो चीज़ें उभर कर सपने के रूप में बाहर आती है, या कभी इतने गंदे ख्याल आते हैं कि जिनके हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ये सिचुएशन सभी के साथ होती है, ऐसा कोई विचित्र चीज़ नहीं है, क्योंकि हम मानो जो है वो ख्यालों पर टिके हुए हैं। ख्याली पुलाव जो है, ख्याल विचार, जिससे ही एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया जाता है, आइडिया जिसे हम कहते हैं। तो अगर इस तरह के कोई ख्याल आपके साथ आते हैं, तो उन चीज़ों के लिए हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, उनसे कैसे बच सकते हैं, उनके लिए क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। उससे पहले एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, छोटा सा निवेदन है, नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, उसे सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में आपको लिखना है जय श्री महाकाल, या जिन भी देवी देवताओं में आप यकीन रखते हैं उनका नाम आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। पहली बात है, जो नेगेटिविटी है, हम चाहे किसी को कितना इग्नोर करें, लेकिन अगर कोई हमारी कानों तक कोई भी बात, नकारात्मक बात पहुंच रही है, तो उसका प्रभाव आप पर होगा। चाहे आप लाख कितनी भी कोशिश कर लें कि ये इसका प्रभाव हम पर नहीं हो। उससे बचने का एक उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रों को उच्चारित करें। मतलब मंत्रों का उच्चारण से मतलब है, कोई भी एक गुरु मंत्र ले लें, कोई एक महामृत्युंजय ले लें, गायत्री मंत्र ले लें, कोई भी एक मंत्र को अपने कानों में बार बार सुनने का अभ्यास बना लें। अगर इस अभ्यास को आप बना लेंगे, तब कोई व्यक्ति कोई गलत बात भी बोलेगा, तब आपको उसकी बातों की जगह आपका आपका मंत्र आपके कान में गुंजायमान होगा, और वही चीज़ आपके अनकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ें लेने नहीं देगा, और उस जगह आपकी अच्छा मंत्र जो है वो हमेशा के लिए रहेगा। ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है, क्योंकि मंत्र विचार यही एक व्यक्ति को निर्माण करता है, एक व्यक्ति को बनाता है। एक क्षणिक सा नेगेटिव ख्याल पूरे जीवन को तबाह कर देता है। तो दूसरी चीज़, जो पहला उपाय है वो आपको मैंने बता दिया, इस चीज़ को इस तरह से आप, ये 2 दिन में नहीं होने वाली है, बार बार आपको करना होगा, तब जाके आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरी बात है कि आपको सकारात्मक माइंड सेटअप बनाना होगा, जो मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव माइंड सेटअप रहेगा, जितनी चीज़ों में आपकी सकारात्मकता रहेगी, वही होगा जो आप सोचेंगे वही होगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारा मन, दिमाग, मस्तिष्क, हमारे आसपास का चारों ओर के आवरण, वो अदृश्य शक्ति है, उस चीज़ को कराने में हमारे साथ होती है। हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो वो सभी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ये बिल्कुल एक छोटा सा साइंस है, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात है कि हम लालच ज़्यादा मिल जाए, या हम ये चीज़ें हो जाए, वो हो जाए, जो लालच, घृणा, दुश्मनी, जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे मन की स्थिरता को हमें बेचैन करते हैं, उनसे आप दूरी बनाएं, खासकर लालच से। लालच बुरी बला, लालच इन सभी चीज़ों की जड़ है, मन में गलत ख्यालों के लिए, इन चीज़ों के लिए, क्योंकि लालच होगी उसके लिए विचार आएंगे, विचार आएंगे तो उसे सही नहीं, गलत रास्ते को पाने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक सा साइंस है, बेसिक सी टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी थी। अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स में अपनी राय खुलकर जो भी हो लिख सकते हैं, और यूं ही मुस्कुराते रहें, यूं ही हंसते रहें। ईश्वर की कृपा आप पर हमेशा बनती बनी रहे, आप हमेशा खुश रहें, यही दुआओं के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।